ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश खंडवा से कुछ कर्मचारियों की वीडियो वायरल हुए हैं जिनकी परेशानी ये को लेकर उन्होंने खाना प्रशासन जो से मांग फॉरेस्ट की विभाग को है, मिल रहा आइए है, देखते हैं। सड़ा सा सब्जी सुबह की यही थी, बांस मार रही है, रोटी भी इसमें आधी आधी कच्ची आधी पक्की आ रही है। और हमने, मैं मोहन सिंह मंडल डिप्टी इंजीनियर बोल रहा हूँ, 28 तारीख से अधिकारियों को बताया, और भी यहाँ पर बहुत सारी समस्या है, आगे मैं बता रहा हूँ। लेटरिन बाथरूम भी सब गंदी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इधर आओ, लाइट बताओ यार, जिनकी ड्यूटी लगी वो अधिकारी उल्टे हावी हो रहे हम पे कि ऐसा है वैसा है। ये लेट वास्तर गंदी है, बदबू आ रहा है भयंकर। और यहाँ की वार्डन जो है मैडम, ये लेटरिन चौक है सर, यहाँ पे हमको रुकवाना है, अब बताओ हम कैसे रहेंगे सर। ये सब लेटरिन चौक है सर ये, और यहाँ पे जानवरों जैसा हमको पटक दिया है, और पानी पीने कोई व्यवस्था नहीं। ये जहाँ रुका है पानी, तालाब में पानी भरा है गंदा, बेकार है, पूरा बेकार है। आरो इधर लाइट बताओ, ये डायरेक्ट है आरो, ये से कोई मतलब नहीं है। ये आरो भी सर डायरेक्ट है, गंदा पानी है, पीने योग्य नहीं, केवल ठंडा करता है। और इधर की लेटरिन बाथरूम, कमरे में कोई साफ सफाई नहीं है। इधर आओ, कमरे में भी सर कोई साफ सफाई नहीं है, गंद मार रहे सर कमरे। इधर आ जाओ, ये सर यहाँ की लेटबाज इतनी गंदी है और कोई सुनने वाला नहीं है सर, सब बदबू आ रही है। इसको मेरे को बेट लेना है, वहाँ लाके यहाँ तुम बोलना, मैं बोलूँगा पकड़ लेना। तो यहाँ कोई कल भी मैं आपसे नागरा से मिलूँगा उनके यार भैया, ये सब है ना। हाँ बोलिएगा। मैं मोहन सिंह मंडल डिप्टी इंजीनियर, यहाँ पर हम कोरोना रोकथाम की ड्यूटी कर रहे हैं, और जिस हॉस्टल में हमको रोका है यहाँ बहुत सारी अव्यवस्था हैं, जो वीडियो बना रहा हूँ और शासन प्रशासन को उनके नज़र में ला रहा हूँ। ले भाई, और आप यहाँ जब से रुके, कोई आपको समस्या तो बताइए। सभी समस्या है, खाना टाइम, मतलब वो खाना स्वादिष्ट नहीं आता है किसी प्रकार से, और लेटरिन बाथरूम भी साफ सफाई नहीं है, 1/3 हिस्से में शौचालय टोटल बंद है। ठीक है, आपको कोई समस्या? बस खाना सही नहीं आ रहा है, और रोटी भी शायद बासी आटे की बनी हुई आ रही है, और सब्जी में बहुत स्मेल आ रही है, वो खाने के बाद मतलब जी घबरा रहा है ऐसा लग रहा है। खाना खाएंगे तो अपन जी सकते हैं, जिंदा रह सकते? बिल्कुल नहीं जी सकते। अभी मैं प्याज लाया हूँ, प्याज से खाना खाया मैंने जी, और मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है मैं कोई शासकीय कर्मचारी नहीं हूँ, ऐसा खाना खा के जानवर जैसा जी रहे, मतलब बिल्कुल जानवर से बदतर। और यहाँ से ये समस्या अपन कब से बता रहे, कितने दिन से? जैसे ये खाना एक दिन पहले भी खराब आया था, एक आज आया। नहीं, पानी वानी की और भी जैसे लेट बाथ की व्यवस्था हो? लेट बाथ तो 3-4 लेट बाथ चालू है, और पानी की व्यवस्था भी है, और सैनिटाइज वगैरह कोई व्यवस्था? सैनिटाइज वगैरह कोई व्यवस्था? कोई कर्मचारी को मास्क वगैरह मिला है किसी को? किसी को नहीं मिला। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं मोहन सिंह मंडलोई डिप्टी इंजीनियर वन विभाग परिचय सहायक अंधारवाड़ी, जो कि खंडवा से 90 किलोमीटर दूर है, वहाँ से शासन के निर्देशानुसार कोरोना रोकथाम की ड्यूटी हेतु कंटेनमेंट इलाके में बंगाली कॉलोनी में ड्यूटी कर रहा हूँ। और हम लोगों को जहाँ पर रुकवाया गया है, उत्कृष्ट कन्या हॉस्टल खंडवा में, वहाँ पर भी अनेकों समस्या है, जिसके बारे में मेरे द्वारा जो जो हमारे ऊपर अधिकारी है उन लोगों को समस्या बताई गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिसके तहत आज शाम को जो खाना हम लोगों को आया, उसमें रोटी आधी पक्की आधी कच्ची और सब्जी बासी थी, जो कि सुबह की बनी हुई थी, उसके बारे में हमने शिकायत की। तो जहाँ से भी खाना आया, खाना प्रबंधक गणेश यादव नामक व्यक्ति आया, और वो मुझे धमकाने लगा कि मैं तुमको देख लूँगा। तो मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, और कोई भी अधिकारी कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं। जहाँ जिस हॉस्टल में हम लोगों को रोका गया है, वहाँ पर लेटरिन बाथरूम चौक है, गंदी है, पीने के पानी कोई व्यवस्था नहीं है, और जो पानी फ्रीजर लगाए वो केवल मात्र ठंडा कर रहा है, कोई वहाँ पर फिल्टर नहीं हो रहा है, वो लेट बाथ में पानी नहीं है, बाहर टंकियाँ है, वहाँ से बाल्टी में ला के हम लोगों को ले जाना पड़ रहा है। और भी कमरों में साफ़ सफाई कोई झाड़ू नहीं होती है, पीने का पानी नहीं, बाहर से हम लोग ला रहे हैं,
ऐसी बहुत सारी समस्या हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई। उसके बाद हमारे फॉरेस्ट एडियो श्री भटकारे साहब आए और उन लोगों ने हमारी समस्या सुनी और समस्या का हल करने का आश्वासन दिया है। जय हिंद।